हरे कृष्णा सभी को। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम इस कॉलर कुर्ती को बनाना सीखेंगे। तो ये जो है मैंने यहाँ पे कुर्ती की कटिंग ऑलरेडी कर रखी है। अगर आपको कॉलर कुर्ते की कटिंग कैसे करते हैं ये सीखना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ये कुर्ती है इसका बैक पार्ट 1 इंच बड़ा कट किया है। तो हम जो भी कॉलर कुर्ती की कटिंग करते हैं उसमें सभी में जो है हमें इसी तरीके से बैक पार्ट 1 इंच बड़ा कट करना होता है। अब यहाँ पर जो मैंने इसकी विड्थ रखी है नेक की, वो रखी है यहाँ पे 3.2 इंच के करीब। अगर आपका साइज़ कम है तो आप यहाँ पे 3 इंच भी ले सकते हैं। फ्रंट पार्ट के जो नेक की लेंथ है वो है यहाँ पे 2.5 इंच और बैक पार्ट की जो नेक की लेंथ रखी है वो मैंने रखी है 1 इंच। तो इस प्रकार हमने नेक का जो मेज़रमेंट है वो यहाँ पर कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट और बैक के लिए जो हम कट लगाने वाले हैं उनकी कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे कैनवास लिया हुआ है, इसको मैंने इस तरीके से डबल किया है। ये हम फ्रंट के लिए कट कर रहे हैं। फ्रंट की लेंथ हम रखेंगे यहाँ पर जो कट लगाएंगे उसकी 2.5 इंच, जो कि आपको सामने फ़ोटो में दिख रहा है। इसकी जो हम चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे 1 इंच। तो ये डबल में है, सिंगल में हमारे यहाँ पे 2 इंच हो जाएगी। अब इस तरीके से हम यहाँ पे वी शेप दे देंगे और यहाँ पर जो इस पट्टी की चौड़ाई रखी है वो मैंने 1 इंच रखी है। तो इसी अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा फ्रंट के लिए रेडी हो जाएगा। इसको अब हम फैब्रिक पे इस तरीके से पेस्ट करेंगे और चारों तरफ से जो फैब्रिक है उसको कट करके 1/2 इंच हम फैब्रिक फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से रेडी करना है इसको। तो अब जो है हम इसको साइड करते हैं। अब बैक पार्ट के लिए जो कट लगाएंगे हम उसको रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है कैनवास इसी साइज़ का। इस तरीके से यहाँ पे जो है ये चौड़ाई 2 इंच है, लेंथ हमने इसके लिए है 4 इंच। अब इस तरीके से आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी शेप आपको बैक साइड में रखना हो। तो मैंने इस तरीके से ये पत्ती का थोड़ा सा शेप दिया हुआ है। इसकी भी चौड़ाई मैंने यहाँ पे लगभग 1 इंच ही रखी है। इसको भी इस तरीके से एक फैब्रिक पे रख के पेस्ट करेंगे और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर का वो हम फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों को यहाँ पे रेडी कर लिया है। ये हमारा फ्रंट का है और ये वाला हमारा बैक पार्ट का है। अब जो है हम यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट का रेडी करेंगे। तो ये हमने लिया है फ्रंट पार्ट। अब इसको हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। जब आपको लगे कि ये बिल्कुल सेंटर में है उसके बाद आप इस तरीके से चौक से मार्क कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे जो है पिनअप करके इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने जो है चौक से मार्क कर लिया था। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे कैनवास कट किया है बिल्कुल बराबर से उसी शेप में हम जो है यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अंदर का जो फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। सिलाई से थोड़ा दूर ही रहना है बट। अब इसके बाद हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको हम रॉन्ग साइड के लिए टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से रॉन्ग साइड के लिए फोल्ड कर लिया है। अब बिल्कुल किनारी से हम इसको सिलाई लगा के फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट का जो कट था उसको रेडी कर लिया। अब हम करेंगे बैक वाला कट रेडी। तो बैक वाले कट को भी सेम इसी प्रोसेस से हमें रेडी करना है। सबसे पहले जो कट है उसको नेक के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और उसके बाद जो हमारा कैनवास है बिल्कुल कैनवास के बराबर से उसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे और अंदर का जो फैब्रिक है उसको कट कर देंगे और जो 1/2 इंच फैब्रिक हम छोड़ेंगे उसमें छोटे छोटे कट लगा के इसको उल्टी साइड के लिए फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें बैक वाला रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको जो है फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है इस बैक पार्ट के ऊपर उल्टा करके रखेंगे। अब इस तरीके से हम दोनों के जो शोल्डर हैं उनको अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच होने के बाद अब जो है हम इसको सीधा कर लेंगे। तो अटैच हो गए हैं हमारे शोल्डर। अब जो है हमें करना है यहाँ पे नेक का मेज़रमेंट। तो सबसे पहले जो हमारा फ्रंट का ये कट है इसको मेज़र करेंगे। तो ये आ रहा है हमारा सिंगल में 2 इंच और डबल में आएगा हमारा 1 इंच, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसको डबल करेंगे और जो हमारी नेक की गोलाई है इसको मेज़र करेंगे। तो ये जो नेक की गोलाई आ रही है हमारी आ रही है 7.5 इंच की। अब जो हमारा फ्रंट वाला कट है वो है 1 इंच का, तो उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉलर रेडी होगा 8.5 इंच का। आई होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो हमें कॉलर जो है वो 8.5 इंच का रेडी करना है।
अब यहाँ पर हमने इस तरीके से कैनवास लिया है और इसको फोल्ड कर लिया है, यानी कि ये डबल में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी मैंने लेंथ ली है डबल में, वो है यहाँ पे 8.5 इंच, क्योंकि कॉलर हमारा 8.5 इंच का है डबल में, ठीक है। सिंगल में जाएंगे तो ये हमारा 17 इंच का होगा। अब यहाँ पर जो हमने इसकी लेंथ ली है वो है 3.5 इंच। तो इस तरीके से ना बहुत ही इजीली कॉलर की कटिंग कर सकते हैं। कभी कॉलर नहीं बनाया आपने, आप पहली बार बना रहे हैं, तो भी इस मेथड से आप इजीली इसको कट कर सकते हैं और बना सकते हैं। अब नॉर्मली जो हम यहाँ पे कॉलर कट करते हैं उसको हम सीधा लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो 3.5 इंच की जो यहाँ पे लेंथ ली है, इस तरीके से हमें यहाँ पे हल्का सा गोलाई का शेप देना है और इस तरीके से इसको मार्क करना है। अब जो हम यहाँ पे कॉलर की चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे यहाँ पे 1 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इस चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच जो है इसकी चौड़ाई ली है और इसी शेप में इसकी गोलाई को मेज़र कर लिया है। अब यहाँ पर एक बार जो है हम दोबारा से कॉलर की जो हमारी लेंथ है उसको हम चेक कर रहे हैं। तो दोबारा से मैंने 8.5 जो है यहाँ पर मार्क किया है और यहाँ से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा जो है हम इसको लेंगे और सिंपली इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे कॉलर के लिए मार्किंग करी है और उसकी कटिंग कर ली है। अब इसको हम कट करके निकाल लेंगे। अब जो ये बाहर वाली साइड है, यहाँ से हम जो कॉलर है उसको कुर्ती से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको शेप नहीं दिया था गोलाई का, तो मैं दोबारा से जो है इसको मार्क कर रही हूँ 8.5 इंच पे, और यहाँ से जो है हम हल्का सा गोलाई का शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसे स्ट्रेट भी रख सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गोलाई का शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से जो है हमारे कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब बाहर वाली साइड हम कुर्ती से अटैच करेंगे, जो अंदर वाली साइड है वो हमारा जो है फोल्ड रहेगा। अब इस तरीके से हमने एक फैब्रिक लिया है, अब इसके ऊपर जो है हमें इसको पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट करने के बाद अब 1/2 इंच हम चारों साइड से एक्स्ट्रा लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब जो ये बाहर वाला फैब्रिक है इसको हमें फ़ोल्ड करना है। अब चाहें तो आप अभी फ़ोल्ड कर लीजिए, उसके बाद इसकी कटिंग करिए। तो मैं यहाँ पे जो है पहले ही इसकी कटिंग कर ले रही हूँ, यानी कि दोनों की मैं पहले से कटिंग कर ले रही हूँ। तो अभी जो है हमें बिल्कुल बराबर से ही इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट की जो है यहाँ पर कटिंग कर ली है कॉलर की। अब जो ये हमारी कॉलर वाली पट्टी है जिसमें हमने बुकरम लगाया हुआ है, इसको हम बाहर वाली साइड से फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा लेंगे और ये हमें कुछ नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पर जो है मैंने एक वाले में जो है इसको सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरीके से हम दोनों को बराबर करके रखेंगे और इस साइड से, यानी किनारे वाली साइड से, पॉइंट भर जो है यहाँ पर हम ओपन छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ से हम कॉलर को चढ़ाएँगे। इसी तरीके से पूरी गोलाई में हम अंदर वाली में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड भी मैंने यहाँ पे पॉइंट भर जो है मार्क कर लिया है, क्योंकि वहाँ पर भी हमें ओपन रखना है। तो इस तरीके से पूरी अंदर की गोलाई में हम जो सिलाई है उसको लगा लेंगे और इसको इस साइड से बंद कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दूसरी साइड भी यहाँ पर पॉइंट भर जो है छोड़ दे रही हूँ ओपन। अब इसको हम बैक कर लेंगे। अब अंदर की साइड जो है हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे कि ईजिली फोल्ड हो जाए। अब जो हमारा कॉलर है, अब हम इसको सीधी साइड के लिए फ़ोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो है मैं इसको प्रेस से सेट कर लूँगी, जिससे कि ये जो है फिनिशिंग के साथ जो है इजीली हमारा अटैच हो जाए। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको प्रेस कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 1/2 इंच का फैब्रिक बाहर है इसको हम अटैच करेंगे कुर्ती से। अब यहाँ पर हमने कॉलर को डबल किया है इस तरीके से और एक कट लगा लेंगे हम सेंटर में। अब यहाँ पर जो हमें फ्रंट में कट लगाया है वो हमारा है 2 इंच का, डबल में देखेंगे तो ये हमारा 1 इंच का आएगा। तो इस तरीके से हम जो है सेंटर मार्क से दोनों साइड 1-1 इंच जो है वो मार्क कर लेंगे। तो ये जो है इस तरीके से हमारा कॉलर जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है एक बार कुर्ती के नेक से जो है इसको हम मेज़र कर लेंगे। तो 1 इंच जो है हमने छोड़ दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कॉलर जो है ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो आप इसको एक बार जो है चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज़ बाद में आपको खोलना पड़ सकता है। तो अब जो है हम कॉलर को अटैच करेंगे कुर्ती से। तो जो हमारा 1/2 इंच का फैब्रिक बचा है एक साइड का, उसको हम जो है इस तरीके से उल्टी साइड से अटैच करेंगे। तो ये मैंने कुर्ती का जो है ये बैक पार्ट जो हमारा ओपन था वहाँ से अटैच करना स्टार्ट किया है और इस तरीके से जो है हम इसको पूरी गोलाई में अटैच करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में जो हमारा कट है वो हमारा आ चुका है इस तरीके से। तो जो हमने मार्क किया था यहाँ पे उसको हमने वहीं तक लगाया है सिलाई को। अब उसके बाद जो है सिलाई मैंने यहाँ पे निकाल ली है। अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा वाला मार्क था हमने वहाँ से इसको लगाना स्टार्ट किया है। अब इस तरीके से पूरे में हम लगाते हुए इसको पीछे तक ले जाएंगे सिलाई को। तो इस तरीके से हमने एक साइड से जो कॉलर है इसको अटैच कर लिया। अब यहाँ पर जो कॉलर है एक साइड हमारा जो फोल्ड हमने किया हुआ था इस तरीके से हम इसको ऊपर की साइड यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे हमें अब फोल्ड तो करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा फोल्ड है। अब यहाँ पर बस इस तरीके से रखेंगे सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हुए। अब इसको पूरे में अटैच कर लेंगे और यहाँ पर जो हम सिलाई लगाएंगे वो बिल्कुल किनारे से लगाएंगे। तो ये जो है हमारा ये फ्रंट वाली साइड जो कट है इस पर भी हम इस तरीके से रख के फैब्रिक जो है वो हम अंदर कर लेंगे जो भी हमारा एक्स्ट्रा है, और फिनिशिंग के साथ जो है हम इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने पूरी गोलाई में जो कॉलर है उसको अटैच कर लिया। अब ये हमारा जो है ये बैक पार्ट है और बैक पार्ट में जो है हम यहाँ पे हुक अटैच करेंगे तो ये बंद हो जाएगा यहाँ से। और फ्रंट में जो है ये हमारा लुक कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आज हमने इस कॉलर को कट करना और स्टिच करना सीखा। सो उम्मीद करूँगी गाइस आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और सिलाई रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।